पर आपके साथ मैं हूं अनुजा। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने शनिवार को राज्य में बढ़ती स्कैनिंग की घटनाओं को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा है कि देश के गृह मंत्री जी गहने लाद कर निकलने वाला जुमला देते हैं, लेकिन ये तो उत्तर प्रदेश की महिलाओं को ही पता है कि उन्हें रोज किस तरह की चीजों से जूझना पड़ता है। इसलिए लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ जरूरी है, ताकि राजनीति में बस सुरक्षा से जुड़ी नीतियाँ बनाने में महिलाओं की भागीदारी बढ़े। उन्होंने अपने ट्वीट के साथ एक रिपोर्ट भी साझा की है, जिसमें उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में हाल ही में हुई अपराध की घटनाओं की सूचना दी गई थी। बता दें कि पिछले महीने लखनऊ में शाह ने उत्तर प्रदेश में कानपुर व्यवस्था की स्थिति की तारीफ की थी और कहा था कि आज 16 साल की लड़की भी रात के 12 बजे आभूषण पहनकर घूम सकती है और अपनी सुरक्षा के लिए डरने की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश विधानसभा की 403 सीटों पर 2022 की शुरुआत में चुनाव होने हैं। 2017 के चुनावों में भाजपा ने 39.67% वोट शेयर के साथ 312 सीटें जीती थी और इसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में एक मजबूत चुनावी प्रदर्शन देखने को मिला, जब भाजपा ने राज्य के 80 संसदीय क्षेत्रों में से 72 पर जीत हासिल की थी। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी हमें कॉमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 News के साथ। Yeah.